तो फ्रेंड्स सिर्फ 5 दिन रह गए हैं पठान को रिलीज होने से और 5 दिन के बाद बदलेगा बॉक्स ऑफिस का मौसम। तो हेलो गाइस, स्वागत है पठान के एक और एडवांस बुकिंग के नए एपिसोड में। तो फ्रेंड्स पठान के एडवांस बुकिंग ओपन होते ही फैंस टिकट बुक करने में लग गए, लेकिन यह अनाउंसमेंट अभी मेकर्स की तरफ से नहीं की गई है और एडवांस बुकिंग ओपन कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आज 20 तारीख है और हम बात करेंगे कि एडवांस बुकिंग ओपन होने के बाद अभी तक कितना एडवांस बुकिंग हुआ है, क्योंकि कल रात 10 बजे तक 8 करोड़ 35 लाख का बुकिंग हो गया था। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स कल रात 12 बजे तक तो यह लग रहा था कि 10 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो जाएगा, लेकिन रात के 12 बजे तक 9 करोड़ 20 लाख का एडवांस बुकिंग हो गया था। ऐसी एडवांस बुकिंग केजीएफ 2 के दौरान देखने को मिला था। अब ये देखना है कि पठान का एडवांस बुकिंग कहां तक जाकर रुक रहा है, 15 करोड़ या 20 करोड़ या फिर 30 करोड़ से भी ज्यादा। वैसे जैसे इस मूवी का एडवांस बुकिंग हो रहा है, वैसे तो लग रहा है कि मूवी अपने पहले ही दिन 50 करोड़ की कमाई कर लेगा। फिलहाल इसका पता तो 25 तारीख के बाद चलेगा। तो फ्रेंड्स अभी तक इस मूवी का 12 करोड़ 30 लाख तक का एडवांस बुकिंग हो गया है और लगभग 4 लाख के आसपास टिकट बिक चुके हैं, और हो सके जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक ये नंबर और भी बढ़ सकता है। अभी तक तो मूवी के मेकर्स की तरफ से कोई लिंक शेयर नहीं किया गया है। जब शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम इस मूवी का लिंक शेयर करेंगे तो एडवांस बुकिंग का सुनामी आ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, पठान अपने पहले दिन कितने करोड़ की कमाई करेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।